रेडियम की दुकान पर बैठकर शराब पीने से मना किया तो आरोपी ने बुजुर्ग और उनके बेटे के साथ मारपीट की। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के अशोक टॉकीज के पीछे गुमटी लगाकर अपना व्यापार व्यवसाय करने वाले बुजुर्ग और उनके बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक युवक उनकी दुकान पर बैठकर शराब पी रहा था। जब युवक को शराब पीने से मना किया तो युवक ने बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर बीच बचाव में आए बेटे को भी युवक ने लोहे की राड से वार कर दिया। मामले में दोनों घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं माधवनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं दुकान में बैठा था, आया मां दारू लेके बैठ गया, पी ली, बोला भाई जा तू, तो रंगदारी करने लगा। बाहर निकल के मेरे को मारती, पता नहीं उसके हाथ में क्या था, काई की मारी है, मेरे को भी ध्यान नहीं। लड़का था तो काम कर रहा था रेडियम का गाड़ी पे, वो आया, उसको निकल के बाहर गया तो वो मेरे को देखा तो खून आ रहा, तो वो उसको पाइप पड़ा था प्लास्टिक का, वो लेके उसकी तरफ गया तो उसने लोहे के राड से उसको भी मार दिया। एक कौन व्यक्ति जिसे हमला करा, क्या नाम उसका? ये हरीश है, गैरेज वाला है, कहाँ पर रहता है? ये भी वही दुकान है लाइन में उसी की। छत सेटिंग का काम कर लूट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक घायल एक की घटना स्थल पर ही हुई मौत। पुलिस कर रही अज्ञात वाहन की तलाश। फेरोगढ़ क्षेत्र में रहने वाले दो युवक उन्हेल में सेटिंग का काम करने के लिए गए थे। वह देर शाम अपना काम पूरा करके लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहे युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अन्य एक युवक को मामूली चोट आई है, जिसे उपचार दिया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि दोनों भैरवगढ़ क्षेत्र में रहते हैं और उन्हेल में सेटिंग का काम करने गए थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, ये उन्हेल में छत बांध रहे थे, सदे सेंटिंग का काम करते हैं, सलमान शाह नाम है, और इनके साथ में एक रफीक शाह भी थे जो पीछे बैठे थे, और गाड़ी सलमान शाह चला रहे थे। ये उन्हेल से निकले और डाबरी के आकर एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार के इनको घायल कर दिया, जिसमें से सलमान शाह की स्पॉट पे ही मौत हो गई। उसके बाद में सभी गांव वालों ने मिलकर फ़ोन वोन लगाया तो हम लोग गए वहां पर, और वहां से फिर बॉडी को यहां पर लाए। उज्जैन जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेड़ा खजूरिया के प्राचार्य उदय सिंह चौहान ने स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ाई करने वाले दो छात्रों की बेरहमी से क्रिकेट के बैट से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र क्लास में क्रिकेट खेल रहे थे, जिससे नाराज होकर चौहान ने दोनों छात्रों की क्रिकेट के बल्ले से पीटा। इस दौरान उन्होंने छात्रों पर थप्पड़ भी बरसाए। मारपीट करते हुए स्कूल के बाहर खड़े कुछ लोगों ने खिड़की से मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में प्राचार्य उदय सिंह चौहान का कहना है कि वह जिन बच्चों को मार रहे हैं, वे क्लास में क्रिकेट बैट लेकर खेल रहे थे। बच्चे इतने शरारती हैं कि वह किसी की नहीं सुनते हैं, उन्हें इतनी जोर से नहीं पीट रहा था, सिर्फ डरा रहा था। हालांकि जिन बच्चों की पिटाई की, उनके माता पिता ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है। प्राचार्य उदय सिंह चौहान जब दोनों छात्रों की पिटाई कर रहे थे, उसी दौरान किसी ने खिड़की से मारपीट का वीडियो बनाया। वीडियो में छात्र प्राचार्य से बार बार सॉरी बोलकर माफी मांग रहे हैं, परंतु गुस्से में प्राचार्य उनकी पिटाई कर रहे हैं। प्राचार्य ने कहा कि वीडियो 8 माह पुराना है, इसे अब वायरल किया गया है। मामले में शिक्षा विभाग के IDPC ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, किस कारण से यह मारपीट की है इसकी जांच करने के बाद कार्यवाही की जाएगी। महापौर मुकेश सचपाल ने बताया कि वह उज्जैन के विकास और नवनिर्माण के क्रम में विभिन्न विषय विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति 20 दिसंबर तक अपना बायोडाटा महापौर कार्यालय पर दे सकते हैं। महापौर टटवाल ने कहा कि उन्होंने नगर विकास के क्रम में हमेशा ही आम नागरिकों और वरिष्ठ जन के सुझावों और उनकी मांगों का आदर और सम्मान किया है। अब विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों, पत्रकारगण, साहित्यकार, समाज सेवी, उद्योगपति, व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, खेल संगठनों के पदाधिकारी इत्यादि को सम्मिलित करते हुए एक महत्वपूर्ण समिति गठित। इस हेतु आप अपना बायोडाटा महापौर कार्यालय में संपूर्ण जानकारी के साथ 20 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। प्राप्त बायोडाटा को महापौर द्वारा
स्वयं परीक्षण किया जाएगा एवं समिति का गठन किया जाएगा। महापौर मुकेश चटवाल ने विश्वास जताया है कि उनके इस प्रयास से नगर विकास को उल्लेखनीय गति प्राप्त होगी। तो उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक उज्जैन में हम विशेषज्ञों की एक समिति बना रहे हैं, जिसमें हमारे सारे पत्रकार साथी होंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि विभिन्न सभी राजनीतिक दलों के वो होंगे, हमारे एक इंजीनियर होंगे, रिटायर्ड अधिकारी होंगे, और जो जो विषय विशेषज्ञ जो उस विषय को जानकार हैं, ऐसे सारे लोगों को हम लेकर के 50 लोगों की समिति बनाना चाहते हैं। और उस समिति में हमारे उज्जैन के जो सारे विषय हैं, चाहे वो यातायात को लेकर के हो, निर्माण कार्य को लेकर के हो, सड़कों का चौड़ीकरण को लेकर के हो, या हमारी अन्य अन्य व्यवस्था, जो हमारे यहाँ उज्जैन एक उत्सवों का शहर है, चाहे बाबा महाकाल की सवारी निकलने के समय की बात हो, या कार्तिक मेले की बात हो, या शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम, जो सारे कार्यक्रम होते हैं, इन सारे विषयों को ले जा करके उनके सामने हम बताएंगे कि नगर पालिका निगम और हमारा उज्जैन प्रशासन क्या करना चाहता है, और उन लोगों के सुझावों को साथ में लेकर के, और जब हम उज्जैन का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो काम हम महीनों में करना हो सकता है वो कुछ समय पहले हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और लोगों के सुझाव जब काम में आते हैं तो निश्चित रूप में अगर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं तो उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से दूर होगा। उज्जैन में 30 करोड़ लागत के प्लांट से CNG बनेगी और इससे शहर में वाहन दौड़ाए जा सकेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रस्ताव स्मार्ट सिटी ने मंजूर कर लिया है। नगर निगम द्वारा जल्द ही एग्रीमेंट कर इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि निगम को इस प्लांट पर एक ढेला भी अपने पास से खर्च नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा कचरे से गैस बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से धरातल पर उतारने की कवायद अब अंतिम चरण में है। गेल के माध्यम से यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। निगम गेल को शहर का कचरा उपलब्ध कराया जाएगा और गेल उससे प्लांट में गैस तैयार करेगी। गेल ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर स्मार्ट सिटी को भेजा है, इसे मंजूर कर लिया गया है। गेल के साथ एग्रीमेंट की औपचारिकता पूरी कर प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया की जा रही है। कचरे से CNG का प्लांट स्थापित करने की तैयारी चल रही है। गेल का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है, एग्रीमेंट के बाद जल्द ही काम शुरू होगा। ये हमारे उज्जैन का जो गीला कचरा इकट्ठा होता है उसको लेकर के हमने जो भारत सरकार की गेल कंपनी है उसके साथ हमने एक अनुबंध किया है। तो गेल कंपनी के द्वारा हमारा एक प्लांट बनेगा, हम उनको गीला कचरा देंगे, उससे वो CNG गैस बनाएंगे और गैस भी वो खुद ही खरीदेंगे, और नगर पालिका निगम को गैस के बदले में रेवेन्यू मिलेगा और हमारे कचरे का निष्पादन होगा। इस प्रकार की हमने योजना बनाई है जो शीघ्र रूप से पूर्ण होने जा रही है। शुक्रवार रात को नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह द्वारा निगम द्वारा संचालित अटल आश्रय स्थल रेन बसेरे का निरीक्षण किया। रेन बसेरे में आने वाले निराश्रित बेघर एवं बेसहारा लोगों के लिए निगम द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती है उनका जायजा लिया गया। साथ ही नागरिकों से चर्चा करते हुए निगम द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसका फीडबैक लिया गया। शहर में अभी ठंड का जो मौसम चल रहा है उसके मद्देनजर खासकर आज रेनबसेरों का मिलने वाला निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है सही तरीके से हैं या नहीं है, ठंड के समय में कंबल और रजाई वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है, साफ सफाई है या नहीं है, और क्योंकि ठंड है तो अलाव के लिए अगर आवश्यकता पड़ रही है तो उसकी व्यवस्था यहाँ पे है। तो सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज आकस्मिक निरीक्षण किया है मेरे द्वारा, व्यवस्थाएँ यहाँ पर ठीक पाई गई है। ये व्यवस्था शासन की तरफ से निःशुल्क की जाती है और अक्सर ऐसा देखने में आया कि कोई किसी कारण से रुकना पड़ा उसको यहाँ पे, जो दूसरे गांव का है, दूसरे शहर का है, मजबूरी में यहाँ रुकना पड़ रहा है, किसी भी काम से आया है, बाहर से आया है, किसी का इलाज कराने आया है, तो निःशुल्क जो व्यवस्था है उससे काफ़ी लोगों को एक आसानी हो जाती है और उनका अनावश्यक जो खर्च होता है वो नहीं होता है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में बाहर से एवं स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल के गर्भगृह स्थित पेड़ी से सुगम दर्शन करने की व्यवस्थाएं एवं उज्जैन वासियों के लिए प्रति मंगलवार को निःशुल्क दर्शन व्यवस्थाएं हेतु आज महापौर मुकेश चटवाल ने बाबा महाकाल मंदिर के दर्शन कर अवलोकन किया। मंदिर के कर्मचारियों के साथ दर्शन व्यवस्था हेतु बैठक में बाहर से आने वाले भक्तों के साथ विनम्र व्यवहार के
साथ ही सभी से जय श्री महाकाल का उद्बोधन एवं भोजनशाला में सभी को भोजन परोस कर व्यवस्थाएं का अवलोकन किया। इस अवसर पर MIC सदस्य प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। आज बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो जब मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया था, यहाँ पे श्रद्धालुओं से बातचीत हुई जो सारे देश भर से आते हैं, तो हमारे बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद सब लोग बड़े प्रसन्नता से और हमारी व्यवस्थाओं को अच्छा मान बताते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आज जाके देखना चाहिए, तो जहाँ पर हमारे आम श्रद्धालु जहाँ पर दर्शन करते हैं वहाँ जाकर के मैंने देखा। हमारे उज्जैन का जो नगर द्वार है वहाँ भी मैं जाकर के दर्शन की व्यवस्था देखी है। और साथ ही मुझे लगा कि जब बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए व्यक्ति आता है, वो घंटों अपने पूजा की सामग्री हाथ में लेकर के बाबा के वहाँ तक जाता है, तो मेरा ऐसा अब जब हमारी प्रबंध समिति की बैठक होगी तो उसमें इसे निर्णय करवाने की हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि बाबा के दिल्ली तक जाकर के दर्शनार्थी दर्शन कर सके, ताकि उसकी पूजा सामग्री और जल बाबा को अर्पण हो। क्योंकि गर्भगृह के अंदर तो इतने सारे श्रद्धालुओं को दर्शन कराना संभव नहीं है, लेकिन हम उनको बाबा की दिल्ली तक तो ले जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था जमाएंगे, इसका हम प्रयास करेंगे।